वो सामने शाहजहां मस्जिद है भाई, ये छील रहे हैं, इसको खा के देखते हैं। ये देखें मकली कब्रिस्तान पहुंच गए। इमरान भाई बंदे खुला हुआ है। अरे यार ये तो बंद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब यार, इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और आज इतनी सुबह सुबह हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हो गई है और इस वक्त मैं ठट्टा पर पहुंच गया हूं और भाई बहुत ख्वारी हुई है, पूरा घरों वाला रोड ढूंढते आ रहे हैं, कहीं होटल हमारे को नहीं मिल रहा। होटल तो बहुत सारे मिले लेकिन बंद है क्योंकि आज जो है कोई स्ट्राइक वगैरह चल रही है इनकी, इन्होंने होटल बंद करे हुए। तो अभी इस होटल पर हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं, यहाँ नाश्ता करेंगे और आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम ठट्टा को एक्सप्लोर करेंगे और फिर मकली के कब्रिस्तान जाएंगे और बड़ी पुरानी पुरानी कब्रें हैं और बहुत ही एंटीक, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब बहुत ज़्यादा थकन हो जाएगी तो अपनी थकन उतारने के लिए हम करली जाएंगे और वहाँ पर पूरा दिन नहा के बहुत सारा इंजॉय करेंगे। हेलो भाई नाश्ता आ गया। इमरान भाई बहुत ख्वारी के बाद मिला ये नाश्ता, याद रहेगा आज का नाश्ता क्या? बिल्कुल यार, मतलब हालत खराब, पूरा घरों के सारे होटल बंद है, चाय है, ऑमलेट और मलाई। अब जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया और अब हमारा अगला पॉइंट है मकली। आपको मकली का कब्रिस्तान दिखाएंगे, बहुत ही ओल्ड कब्रिस्तान है। अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। चलो यार फाइनली पहुंच गए अपनी मेन लोकेशन पर, मकली कब्रिस्तान पहुंच गए। ये चेक करें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए और वो सामने देखें मस्जिद है, पता नहीं कब्र है किसी की। पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा आगे आ गए और बस यही रास्ता जा रहा है फिर मकली कब्रिस्तान की तरफ अंदर निकलेंगे। और ये सिंध की सौगात, नमकीन लस्सी, नमकीन लस्सी है भाई। आते ही यहाँ पर एक सीन हो गया है, ये देख रहे होंगे आप लोग, जालियाँ लगी हुई हैं और रास्ता ही बिल्कुल बंद है। अब हम इतना लंबा चल कर आए हैं कि अंदर कब्रिस्तान में इंटर होंगे और यहाँ से रास्ता ही बंद है भाई। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को। ओह बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बाद ये रास्ता हमें मिला है। ये देखें भाई, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये कब्रों पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बने, तो ये कब्र हमारे सामने आ गई, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें इस पर जो है कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। और सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त में ना तो मशीनरी थी, उसके बाद ये इतने अच्छे जो है डिज़ाइन इन्होंने बनाए हाथों से। पिक्चर्स लेने के हिसाब से बहुत ही लेवल की जगह है, देखें। टॉम्ब ऑफ सुल्तान इब्राहिम, ये बादशाह सुल्तान इब्राहिम का मज़ार है यहाँ। ये जो इस टाइप की नरम घासें होती हैं इसमें सांप वगैरह भी होते हैं। और ये सिर्फ इस पर डिज़ाइन चेक करें, ये जो कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं ये देखें यार। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, और सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम ही भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो दोपहर में पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह ये सब कवर कर लें और दोपहर तक हम करली में चले जाएँ, क्योंकि करली चले जाएँगे ना तो उसके बाद गर्मी नहीं लगेगी, पानी में ही रहेंगे हम। देखें जो असली व्यू है ना वो ये है, सिर्फ दीवारें देखें भाई, जस्ट डिज़ाइन है, कलर भी नहीं हुआ हुआ, ऐसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है। 1975 में इमरान भाई बंदे खुला हुआ है। अरे यार ये तो बंद है। चलो यार फाइनली एक दरवाज़ा तो हमें खुला हुआ नज़र आया, वहाँ तो जा नहीं सके लेकिन यहाँ अंदर इंटर होते हैं। ये देखें भाई कोई भी नहीं है भाई इस टाइम पे, क्योंकि धूप गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा हमारे सिवा। यार ये हो क्या रहा है, एक रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, फिर एक रास्ते से जा रहे हैं, फिर दूसरे से निकल रहे हैं, मतलब क्या चल क्या रहे हैं यहाँ, जा पूछ क्या। ये मिर्ज़ा जानी और मिर्ज़ा गाजी बेग का टॉम है, ये उनका मज़ार है और ताला लगा हुआ है बंद है, वरना अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर से बंद है, ये खुला हुआ है दरवाज़ा, देख लेते ये किसका टॉम है। दीवान शुरफा खान, आ जाओ देखते हैं दीवान साहब के महल में इंटर होते हैं। भाई हम इस मज़ार में अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन ये मज़ार बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, ये भाइयों से पूछा, भाई बता रहे हैं वो देखे अंदर बांस वगैरह भी लगे हैं, तो अभी बाहर चलते हैं। लग रहा है हमारे नसीब में ही नहीं है किसी मज़ार के अंदर इंटर होना, हम बस बाउंड्री में जाते हैं और वहीं से ही बस बाय बाय टाटा।
यार फाइनली नीचे पहुंच गए। यार मकली का कब्रिस्तान आप लोगों ने देखा कि कैसी कब्रें बनी हुई, यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन है और बहुत ही मतलब पुराना ओल्ड कब्रिस्तान है। और अभी जो है हम यहाँ से जा रहे हैं आप लोगों को एक मस्जिद लेके। इमरान भाई कौन सी मस्जिद जा रहे हैं? शाहजहाँ मस्जिद लेके जा रहे हैं। अबे भाई इतनी गर्मी है, गाड़ी में आके कुछ सांस आई है वरना तो सांस ही रुकने लग गई थी, कितनी गर्मी है यार। चस आ गई है। मज़ा आया। कितना रह गया इमरान भाई? ये बस सीधे हाथ पे कट है। फाइनली भाई शाहजहाँ मस्जिद पहुंच गए। ये देखें भाई शाहजहाँ मस्जिद का गेट आ गया है और यहाँ से हम अंदर इंटर होंगे। यहाँ पे वो सामने शाहजहाँ मस्जिद है और व्यू देखें आप लोग, ये समझें हमारे सिंध का ताजमहल। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर सफाई का खास ख्याल है, वरना अक्सर जो है ये सब टूटे हुए होते हैं और कचरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन सब चीज़ें जो है साफ़ हैं बिल्कुल। ये देखें भाई प्योर लकड़ी के दरवाज़े, और कितने पुराने और कितने मज़बूत दरवाज़े हैं। और वो सामने गेट है और वहाँ से अंदर इंटर होते हैं। ये देखें ये सब सिंधी में लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो सिंधी भाई हमारे को पढ़ सकते हैं। ओहो माशाल्लाह सहन का व्यू देखें। इस मस्जिद को कहते हैं कि ये 100 गुंबद वाली मस्जिद है। 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6 लाइन से, मतलब ऐसी सारे गुंबद हैं। माशाल्लाह भाई बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद शाहजहाँ, टट्टा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप लोग देख रहे होंगे फैमिलीज़ वगैरह भी आई हुई हैं। इमरान भाई जगह वाकई में बहुत अच्छी है जहाँ आप लेकर आए हैं। सही ना, सही जगह पे लेकर आए हैं, बहुत प्यारी जगह है। ओ भाई कुछ देर यहाँ पर शूज़ रखे थे और धूप की वजह से ऐसे गर्म हो गए, ऐसा लग रहा है कि बस हमने ओवन में पैर रख दिए अपने, बहुत गर्म फुल। और यहाँ पर केरियाँ चेक करें, भाई केरियाँ काट रहे हैं। यार शाहजहाँ मस्जिद 1647 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1659 में ये मुकम्मल तैयार हो गई थी, और आज इसको काफ़ी साल गुजर गए हैं और आप लोग देख रहे होंगे मतलब क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप लोग कभी ठट्टा आए हैं तो लाजमी यहाँ विज़िट कीजिएगा। और अभी हमारा सफ़र हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं करली झील, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप से जो है ना बस समझो ऑमलेट बन गए हम लोग, क्या कहते हो यार, तेल निकल रहा है सब। यार ये चीज़ देखें ये भाई बेच रहा है कुछ यूनिक चीज़ लगी, गर्मी में होता है बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त। इसको भी छील के खाना पड़ेगा यार, ये पहले सारे छील लेते हैं भाई, ये छील रहे हैं इसको खा के देखते हैं। ये देखें सही है यार, फर्स्ट टाइम ट्राई करिए, कुछ नया है कैसे है। मज़ेदार। शाहजहाँ मस्जिद से बाहर आ गए और बाहर ये रबड़ी वाले हैं, ये देखें, और ठट्टा की रबड़ी तो आप लोगों को पता है पहले ही फेमस है भाई। ठट्टा का मशहूर सौगात है, कराची से हैदराबाद से बंदे आते हैं ये सौगात लाजमी खाते हैं। ये देखें ये भाई की मेहमान नवाजी है, ये सिंध की, भाई हमें ये चेक करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है भाई, प्योर टेस्ट रबड़ी का भाई, यार बहुत अच्छी बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, ये मेहरबानी आप लोगों की भाई। अरे हमें छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं ये लोग, चलें भाई अब सफ़र को आगे शुरू करते हैं। यार हमने अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू कर दिया है और अब हम जा रहे हैं करली झील, और इस व्लॉग का जो अगला पार्ट है वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, तो बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इस व्लॉग को एंड करते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।